जी बस कह रही है कि जब मेरा टेंथ क्लास हमारी कम्प्लीट हो गई तो हमने सोचा कि कॉलेज के चेक करने के लिए मैंने कुछ भी कॉलेज विजिट किए, तो हमने सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन पर आया और मछवर में भी हमारे कॉलेज हैं एस्पायर कॉलेज, इसके अलावा वैली में पंजाब कॉलेज हमारा मशहूर था, तो हम यहाँ आए, यहाँ नदीन साहब से मिले, नदीन साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, हम काफ़ी मोटिवेट हुए उनकी बातों से, मैं काफ़ी तकरीबन एक घंटे की स्लीप हुई हमारी, तो टीचर वगैरह का स्टाफ वगैरह का हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पे स्पेंड की है, हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे गुजरे, इनमें से हमारे बाबा साहब रहे हैं हमारे इंग्लिश के और अब्दुल रियाज साहब केमिस्ट्री पर रहे हैं, केमिस्ट्री कमाल पढ़ाते हैं, यकीन कीजिए इस बिहारी के रीजन में जो सबसे कमाल केमिस्ट्री का अगर कोई टीचर माना जा सकता है तो हमारे अब्दुल रियाज साहब हैं, पहले तो वो इस वक्त छोड़ चुके हैं और फ्री समय पढ़ाई कमर साहब ने, और इसके अलावा भट्ट साहब उर्दू के माहिर टीचर हैं भट्ट साहब, उन्होंने शायरी पर बड़ा अबूर है उनका। इसके अलावा हमारा इस सेकंड ईयर में हम जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमें वजाज साहब ज्वाइन किया, वजाज साहब हमारे जिस के टीचर हैं उन्होंने पीएचडी की हुई है, वो बेहतरीन किस्म के पढ़ाते हैं। इसके अलावा तनवीर साहब है, तनवीर साहब का एमडीकैट के पेपर देने के एमडीकैट की तैयारी के मतलब उनका बड़ा अबूर है कि वो बच्चों की तैयारी एमसीक्यूज और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होते हैं कंसेप्चुअल स्टडी पर पूरी ग्रिप रखते हैं हम। और हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर अब्दुल रहा की सुकारी साहब ज्वाइन किया है उन्होंने, वो राइटर बहुत बेहतरीन किस्म के मुसन्निफ हैं और उनकी राइटिंग सारी बात है, मैं खुद एक कानून लिखता हूँ और मैं उन्हें कई दफ़ा पढ़ा भी चुका हूँ, तो इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी दफ़ा मेरी मदद की। और इस वक्त हम यहाँ स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हम यहाँ फुल छुट्टी के साथ अपनी इससे बाइक स्पेंड कर रहे हैं, अपना कॉलेज के लिए स्पेंड कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं स्पिरिट कॉलेज आने का सोचा, सबसे पहले मैंने टीचर्स के बारे में सुना कि टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, तो सबसे पहले अमजद साहब से मुलाकात हुई मेरी, अमजद साहब भी बहुत अच्छे टीचर थे, उसके बाद बाबर साहब थे, तो उन सब से मुलाकात वगैरह हुई, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर साहब थे हमारे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपीरियंस करके देख लें, तो मैंने यहाँ की कोचिंग क्लासेस देना स्टार्ट कर दी जो कि समर कैंप्स होते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी। यहाँ की सबसे जो मेन बात मुझे पसंद आई स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वो ये है कि यहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल अप किया जाता है, बच्चे यहाँ कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, जो बच्चों के अंदर एक छुपा होता है अपना कॉन्फिडेंस वो लेवल लिया जाता है कि हाँ कैसे आपने स्टेज पे आना और कैसे। उसके अलावा अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो यहाँ सबसे अच्छा स्टाफ स्पिरिट के अंदर हमने देखा लास्ट ईयर, इस दफ़ा न्यू रिप्लेसिंग हुई है, हो सकता है मतलब अभी तक चल रहा है सिस्टम, हो जाएगा इंशाल्लाह उनके साथ भी अच्छा, कि वो किस तरह पढ़ाते मतलब उनके साथ अभी तक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं हुई, हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है उनके हमारे सबसे अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो इनके साथ भी मिलने का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बस यही लाइफ है और अच्छी जा रही है, कैंटीन वगैरह भी मतलब एज अ कॉलेज लाइफ जैसे होती है उस तरह की हमारी कॉलेज लाइफ माशाल्लाह बहुत। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, सर बेसिकली मैं अब तलीम से थोड़ा हट के ये जो कोविल एक्टिविटीज़ होती हैं बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि बाकी कॉलेज में ऐसे फंक्शंस कम होते हैं, लेकिन स्पीजे कॉलेज है जो बाकी एक्टिविटीज़ में बच्चों को प्रमोट करता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्पोर्ट्स और बाकी तरह के फंक्शन स्पीजे नाइट बॉन्फायर केक वगैरह ऐसे फंक्शन होने चाहिए और ऐसे फंक्शन स्पीजे में मिलते हैं और बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं माशाल्लाह, तलीम में तो वैसे स्पीजे बहुत आगे हैं। ओके जी, थैंक यू। आप तीन लोगों की तरफ से इनपुट आ गई, ठीक है, अब इन्होंने अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छी जो इनसे मिस हो गई हो बताते हुए, तो अगर तीन लोग जो बताना चाहें इनकी बात में ऐड करना चाहें एक एक या दो दो लाइनें यहाँ पे लाइफ के एक्सपीरियंस के हवाले से, कोई और ठीक है, सिर्फ एक एक लाइन जो आपको लगता हो कि इन्होंने नहीं बताई जी आपने, नहीं नहीं यही 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 था। जब से प्रिंसिपल साहब आए तो इन्होंने ना मोटिवेशनल लेक्चर दिए जिनसे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हुआ, वो सबसे अच्छी बात वो थी, यानी कि बच्चों को करेज किया, वो बच्चे डेस्क पे आके दो मिनट तक बोल नहीं सकते थे लेकिन उन्हें मोटिवेशनल स्पीक मिली तो वो आज बच्चे वहाँ पे स्टेज पे आके बात करने ठीक ठीक है। वेरी गुड, और कोई एक दो लाइन ऐड करना चाहे आखिर से किसी को आना चाहिए। सर हमें यहाँ मतलब कि ये फ़ायदा हुआ है, काउंसलिंग बहुत अच्छी की गई है हमारी, मतलब हमें इतना मालूम नहीं था तो हमारे सारा ऐसा साहब मैथ के तो उन्होंने काउंसलिंग अच्छी की है, बच्चों को मतलब कि एक डायरेक्शन दे दी है, हमें ये इन चीज़ों के बारे में पहले इतना नहीं पता था, आप बता दिया तो
वेरी गुड। और कोई आखिरी एक और इस तरफ से? हाँ, पीरियड साहब बच्चों को ना लाइब्रेरी एक कैसा देता है, यानी कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना उनको कॉलेज प्रमोट करता है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं इनको इधर ज़्यादा दिया है, लेकिन ये जो सारे बच्चे होते हैं ना सबको एक जैसा लाइब्रेरी। चल वेरी गुड वेरी गुड। रव सब आप रिकॉर्ड कर लें, मैं दो लफ्ज बच्चों से शेयर कर लूँ। ठीक है ठीक है, बैठे रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन। आप लोगों में कुरान किस किस ने पढ़ा हुआ है तर्जमे के साथ? थोड़ा बहुत सबने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है अच्छा, कुछ मैं ना एक दो रेफरेंसेस कुरान से, यानी हम बुक्स में तो पढ़ते हैं ना पढ़ना चाहिए मेहनत करनी चाहिए, टीचर भी यही कहता है सब यही कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है? ठीक है हमारा जीना मरना जिस बिलीव के साथ है। ठीक है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या चाहता है? ठीक है तो हम जो लाइफ यहाँ पे गुजार के जा रहे हैं, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं तो यूनिवर्सिटी से बाहर की भी एक लाइफ है। ठीक है आप पैदा होते हैं पेरेंट्स के साथ आप ग्रो करते हैं, फिर आप स्कूल में टीचर्स के साथ ग्रो करते हैं, फिर आपका कैरियर आता है, तो पूरी एक लाइफ है ना। तो जैसे आप यहाँ पे गुजार रहे हैं आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, इसी तरह इसके बाहर की भी एक लाइफ है और इसके बाद फिर आखिरत की भी एक जिंदगी है। ठीक है तो अल्लाह ताला उसमें जो जिन लोगों को अच्छे लोगों में गिनता है उनके बारे में क्या कहता है? ठीक है डिवाइड कर देता है ऐसे लोगों को जो देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते, जो महसूस कर सकते हैं और जो महसूस नहीं कर सकते, जो सुन सकते हैं और जो सुन नहीं सकते। ठीक है तो लाइन ड्रा हो गई ना। तो जब आप किसी भी क्लास में किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं तो बहुत देर नहीं चाहिए। ठीक है आप 10 मिनट के अंदर ऐसे लोगों को अलग कर सकते हैं जो बोल सकते हैं, ठीक है जो अपने एहसास को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो सुन सकते हैं, तो वो इंटायरली डिफरेंट हो गया ना उन लोगों से जो सुन नहीं सकते। तो कैसा होना चाहिए? ऐसा जो अपने ऐसा साथ को बयान कर सके, ठीक है ऐसा जो अपनी बात को कर सके, बल्कि एक जगह पे आता है कि वो बेहतर है कि जो चलते चलते गिर पड़ते हैं, या वो बेहतर है जो सीधे चलते जाते हैं। तो किस तरह का होना चाहिए? ठीक है ना तो घर में हो, कम्युनिटी में हो, दोस्तों में हो, जो जितना एक्सप्रेसिव होता है उसको उतनी वेटेज मिलती है, और ये आपकी ग्रूमिंग से है। सपोज अगर आप में एतमाद नहीं है तो एतमाद गेन किया जा सकता है, अगर कोई स्किल नहीं है तो वो स्किल ली जा सकती है। हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है कोई एक बंदा बता सकता है कि पढ़ने का मकसद क्या है? चले मैं ऐड कर देता हूँ, कहते हैं वी लर्न टू लर्न हाउ टू लर्न, इसके अलावा पढ़ने का मकसद नहीं है। यानी आपने 10 साल लगा लिए यहाँ पे, लिया क्या चीज़ आपने? हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न सिर्फ इस क्लास तक नहीं है, आप मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान वाले से मिलते हैं, ठीक है बाहर किसी सीनियर जूनियर से मिलते हैं, जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलती है आप सीखते चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाएंगे, रूटीन के लोगों से मुख्तलिफ। अब जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको सबको वही टीचर पढ़ा रहे हैं, सबके किसी के लिए मुख्तलिफ तो नहीं है ना, सबके लिए वही टीचर्स का पैनल है, लेकिन उसी टीचर्स के पैनल से किसी ने बहुत अच्छा सीखा, उसने 80, 90, 95 तक मार्क्स ले लिए, और कुछ ने बिल्कुल नहीं सीखा। तो कम सीखने वाले ज़्यादा सीखने वालों से बेहतर है, ये ज़्यादा सीखने वाले बेहतर है? ठीक है तो अल्लाह ताला भी अपनी मखलूक से यही कि भाई फिक्र करो, सोचो और ज़्यादा सीखने वाले बनो, और फिर अक्ल वालों के लिए निशानी है। तो ये जितने रेफरेंसेस मिलते हैं ना ये अक्ल वालों के लिए होते हैं, और जो बिल्कुल खामोश हैं मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कि जिन्होंने कम सुना होता है, कम पार्टिसिपेट किया होता है, कम एक्टिव होते हैं, वो ज़िंदगी के हर चीज़ के अंदर उन्होंने पीछे ही रहना होता है, बगैर आपकी स्ट्रगल के, बगैर आपकी मेहनत के, सामने पड़ी होती हैं चीज़ें अचीव नहीं होती। ठीक है अब तो खैर शादियों का ट्रेंड ही चेंज हो गया ना, पहले ये होता था कि खाना खुलता था एकदम सारे दौड़ जाते थे, तो किसके हाथ में आता था बेहतरीन खाना, और बाद वालों को मिलता ही कुछ नहीं था। ठीक है अब तो उन्होंने खैर सिस्टम ठीक कर दिया, अब वो आखिर वालों को भी पहुंचाते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं है कि आपको हर चीज़ भूफे के स्टाइल में मिले। जब आप फील्ड में जाते हैं ना, जॉब पे जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के नहीं मिलता। ठीक है तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। यानी नॉर्मली अगर क्लास में जाए ना तो आपको जो एक्टिव लोग होते हैं ना, तो वो पहली ही दूसरी लाइनों से पीछे किसी को पता ही कुछ नहीं होता।
ठीक है। अब क्या हुआ है कि एजुकेशन का कल्चर भी चेंज हो गया है, कंपटीशन है ना आपस में, तो अब जो बेहतर डिलीवर करेगा वो बेहतर चलेगा, जो इदारे डिलीवर नहीं कर रहे थे खत्म हो गए, ठीक है, और अब जो डिलीवर कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फैसिलिटीज, उनकी सारी चीज़ें, तो अब ये अपना बेस्ट देते हैं तो फिर इस शक्ल में क्लास शेप होती है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं कि आखिरी भी उतना ही चार्ज हो जितना यहाँ का है, तो इनकी तरफ से तो टारगेट्स हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा टारगेट आपको टीचर्स ही सेट करके दें, आपने अपने लिए खुद भी टारगेट सेट करने होते हैं। आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना तो सबसे शाइनिंग बच्चा भी रह जाएगा। टीचर की 100% इनपुट अपनी जगह अहम होती है, लेकिन आपकी इनपुट के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी, मैं बहुत ज़्यादा लर्न किया जी इनसे, बहुत इन्जॉय किया, और माशाल्लाह एक पहले यहाँ पे सेशन हुए थे तो मैं, वो आइडियल क्लास थी मेरी, यानी पूरी लाइफ में मैंने जितनी भी क्लासेस कहीं विजिट की हैं तो उसका आखिरी बच्चा भी बोलता था। तो ये किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ होती है, बटालियन होती है ना फौज की, हाँ, तो फौज में लिख लें तो पहले 10 तो ठीक लड़ने वाले हो, हाँ, और आखिरी 10 जो है वो बिल्कुल खेलने की पोजिशन में ही ना हो, तो कोई जंग जीती जा सकती है। तो कौमें एस्टैब्लिश इसी तरह से होती हैं कि उसकी वो क्लास की आखिरी लाइन तक भी बहुत एक्टिव होती है। तो मुल्क के लिए कुछ करना है तो ये पीछे वाले लोग बहुत अहम होते हैं, सारी जिम्मेदारी अगलों पे नहीं डाल देनी चाहिए, तीन ने बोल लिया पूरा हो गया काम, ठीक है। तो हर कहते ना वो मिलत का जो हर सितारा होता है उतना ही अहम होता है, आगे पीछे वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। जब आप जोर लगाते हैं ना किसी भी एक डायरेक्शन में तो वो आखिरी का जोर भी उतना ही काउंट होता है जितना पहले का काउंट होता है, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी क्लास शुरू होनी है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से सुन के, ठीक है, थैंक यू। चलें किसी दिन ज़्यादा टाइम लेंगे सर, उनकी ख्वाहिश क्या है कि वन बाई वन एक एक बच्चे से मिलें, उससे पूछें कि उसका क्या बैकग्राउंड है, अब तक क्या कर लिया है, फ्यूचर में करना क्या चाहता है, और फिर इनके पास जो आप करना चाहते हैं उससे कम अज कम अगर आप दो चीजें करना चाहते हैं तीन, तो इनके पास छह और चीजें आपको बताने के लिए कि यही भी हो सकता है। अवेयरनेस, यानी अगर किसी ने मेडिकल के प्रोफेशन में जाना है तो मेडिकल की लाइंस कितनी कितनी हैं, स्कोप क्या है, कोई बिजनेस में जाना चाहता है तो बिजनेस की टाइप्स क्या हैं, सर्विसेज कहां देनी है, मैन्युफैक्चरिंग कहां करनी है, सप्लाई चेन क्या है, एचआर क्या है, मार्केटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। और अगर किसी ने टीचिंग जैसे प्रोफेशन में आना है तो टीचिंग, डिजिटल टीचिंग क्या है, क्लासरूम टीचिंग क्या है, ग्रुप डिस्कशंस क्या है। किसी ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चलानी है तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, डील कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है अपनी सर्विस, एवरीथिंग। वो आज तो सिर्फ एक तारुफ था और मुझे जो जिस तबक्को से मैं सर को यहाँ पर लेके आया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेटेड वंडरफुली, और इस चीज़ को हम कैरी ऑन करेंगे। चूंकि सेकेंड ईयर है, गेस्ट क्लास है दूसरे लफ्जों में, तो इनको जाते जाते एक एक चीज इतनी तो बता दी जाए जब ये प्रैक्टिकल फील्ड में निकले, तो इनके लिए कोई ऐसा ना हो कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अगर एजुकेशन रिलेटेड नहीं है या अवेयरनेस उन तक नहीं पहुंची तो कोई मसला नहीं, कॉलेज तो है ना, टीचर्स तो हैं, ये आपको बताएंगे कि अभी जिंदगी में कामयाब होने के लिए करना क्या है। हम पूरा सेशन करेंगे सर के साथ, आज तो सिर्फ वो कहते हैं कि मुझे जायजा, और मुझे उम्मीद है कि जो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे आप लोग उस पर पूरा उतरें, क्योंकि हमने ये प्लान नहीं किया था कि ये आएंगे तो हम इस तरह की बातें करें, वो आपने वही किया जो आपने फील किया, और यही एक सच्चाई है, और तालीम आपको सिखाती भी है, बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू सी, वट एवर यू ऑब्जर्व, इट शुड बी टोल्ड टू एवरी वन हुज ओवर वांट्स टू गेट इट, इज इट राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द हैविंग डिसिप्लिन इन योर क्लास एंड हैविंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। हम मिलते हैं, थैंक यू।